खबर है यूपी से, जहां पत्रकारों की हुई अहम बैठक। यूपी वेस्ट के मोहित गुप्ता ने पत्रकारों को दिए दिशा निर्देश। यहां खबर है यूपी के जनपद बदायूं में फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकारों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें पत्रकारिता के सभी दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें यूपी वेस्ट के मोहित गुप्ता एवं यूपी वेस्ट टीवी रिपोर्टर राहुल गुप्ता जी के द्वारा बदायूं ब्यूरो चीफ अखिलेश सोलंकी एवं रिपोर्टिंग इंचार्ज बिशौली शाकुल गुप्ता को न्यूज अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वही सभी पत्रकारों ने फूल मालाओं के साथ मोहित गुप्ता जी एवं राहुल गुप्ता जी का भव्य स्वागत किया। मोहित गुप्ता जी ने बताया कि पत्रकारिता समाज में मजलूम लाचारियों अधिकारियों से प्रताड़ित व्यक्तियों की आवाज़ को शासन तक पहुँचाने का कार्य करती है। आप निडर होकर पत्रकारिता करें, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। वही यूपी वेस्ट के टीवी रिपोर्टर राहुल गुप्ता जी ने कहा कि सभी पत्रकार एकजुट होकर चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए एक साथ आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने सभी पत्रकारों को पत्रकारिता के गुण भी सिखाए और कहा, यदि किसी को इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। उन्होंने पत्रकारों के लिए अनेकों प्रकार की जानकारियाँ प्रदान की। इस मौके पर फास्ट न्यूज इंडिया जनपद बदायूं के सभी पत्रकार मौजूद रहे। देखे बदायूं से मोहित गुप्ता की यह रिपोर्ट। आप अपने अपने फोन में क्रोम खोलिए। क्रोम 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 ये जो आ रहा है दिख रहा है आपको? क्रोम बोलिए, क्रोम में डालिए फास्ट न्यूज इंडिया। तो आज जनपद बदायूं में फास्ट न्यूज इंडिया की माध्यम से एक मीटिंग रखी गई थी, जिनमें सभी पत्रकारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। और वो दिशा निर्देश जो है हमारे यूपी वेस्ट मोहित गुप्ता जी और स्टेट इंचार्ज टीवी रिपोर्टर राहुल गुप्ता जी के माध्यम से रखे गए थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आज क्या जानकारी प्रदान की उन्होंने। सर, आज आपने जो है फास्ट न्यूज इंडिया के पत्रकारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए और उन्हें जानकारी प्रदान की, वो सर क्या जानकारी प्रदान की आपने? अखिलेश जी, जो कि बदायूं के सभी इंचार्ज मौजूद हैं, मैं सभी नमस्कार करना चाहूँगा सभी इंचार्ज को, जो समय पूर्वक समय पर मीटिंग में उपस्थित रहे हैं। और जो आज की मीटिंग में जो निर्देश दिए गए हैं वो चैनल संबंधित दिए गए हैं। चैनल की तमाम प्रकार की ऑफर आते हैं, उसको साइट पे स्लाइड पे दिया जाता है, उसको ध्यानपूर्वक देखा जाए, वह अपने कार्ड पर दिए हुए निर्देश को फॉलो किया जाए, चैनल की एक एक जानकारी को ग्रहण करके और उसको अपने कार्य में अचीव किया जाए, और प्रत्येक रविवार को 1 बजे जूम मीटिंग पर आए और हमारे सीआई प्रभाकर जी जानकारी चैनल की ऑनलाइन देते हैं और उसमें जानकारी में समाधान भी करते हैं। प्रमोशनल क्या कहते हैं, पूरी पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है ताकि आप हर चीज़ अचीव कर सकें और बारीकी से सफल हो सकें। इसी रूप से मैं आगे। सर, आपने कुछ आरआई हैं उनके लिए अवार्ड भी घोषित किए हैं और उनके जो है टारगेट पूर्ण किया है, वो क्या अवार्ड दिए हैं सर उनके लिए आपने? जैसे हमारे मुख्य 5 काम होते हैं। पहला कार्य होता है चैनल का कि ऐप इंस्टॉल कराना, जाके ऐप इंस्टॉल में जो भी आरआई टॉप होता है उसे अगस्त महीने में टॉप क्या कहते हैं अवार्ड मिलेगा। दूसरा अवार्ड होता है हमारा न्यूज अवार्ड। तीसरा अवार्ड होता है हमारा मैगजीन। चौथा होता है वीकली और पांचवा होता है एडवर्टाइजमेंट। तो ये चारों अवार्ड आरआईओ के लिए दिए जा रहे हैं, ये चैनल की तरफ से निर्धारित है। सीआई प्रभाकर जी स्टेट इंचार्ज को देते हैं, स्टेट इंचार्ज हम अपने डीआईओ को देते हैं, डीआई के माध्यम से यहाँ के बदायूं के सोलंकी जी हैं, अखिलेश सोलंकी जी द्वारा ये अवार्ड सम्मानित किए जाएंगे। जो भी अगस्त माह में 5 कार्यों में टॉप आते हैं आरआई, उनको सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा यहाँ टीवी रिपोर्टर स्टेट ब्यूरो चीफ राहुल गुप्ता जी से, जो सभी पत्रकारों के लिए उन्होंने जानकारी प्रदान की कि पत्रकारिता कैसे की जाती है, उसके नियम क्या हैं और पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए। सर, आप बताएंगे जो आपने
नियम बताए पत्रकारों के लिए वो क्या है और पत्रकारिता किस रूप में की जाती है, कैसे करना चाहिए? आज फास्ट न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से एक बिलसी में मीटिंग की गई, मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हमारे स्टेट ब्यूरो श्री मोहित गुप्ता जी आए थे और सभी फास्ट न्यूज इंडिया की टीम आई थी। आज पत्रकारों की समस्या सुनी गई थी, पत्रकारों की विभिन्न समस्याएं थीं, जिस तरीके से कभी न्यूज़ नहीं लग पाती है या न्यूज़ अप्रूव नहीं हो पाती है, सभी समस्याओं को सुनकर समाधान किया गया और चैनल संबंधित सभी तरीके से न्यूज़ लगाने का या ऐड लगाने का सारे कार्य बताए गए। हमारे साथ हैं स्टेट ब्यूरो हमारे मोहित गुप्ता जी, उन्होंने हमारी टीम को लीड किया, अच्छे तरीके से पूरा सिस्टम समझाया। आज पत्रकारों की यहाँ मीटिंग में मुझे भी एक विशेष अवसर मिला, यहाँ मैं उपस्थित हुआ। पत्रकारों एक जोश होता है काम करने का, एक रवैया होता है अपना, सभी के साथ मैंने अपनी बात को शेयर किया था और मेरी बात को लोगों ने ध्यान से सुना था। थैंक यू सर, धन्यवाद। एक जानकारी मैं और चाहूँगा कि आज जनपद बदायूं में ये मीटिंग हुई है पत्रकारों की, और सर अगला जो है किस जनपद में मीटिंग होने वाली है, किस डेट में होगी? सर 15 अगस्त में रामपुर जनपद में मीटिंग होने जा रही है। अगर आसपास के जो भी रिपोर्टिंग इंचार्ज, एरिया इंचार्ज हैं, वो वहाँ पर पहुँचें। आपके स्टेट ब्यूरो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ के ब्यूरो चीफ हैं हिमांशु यादव जी, कॉन्टैक्ट नंबर आपको फास्ट न्यूज इंडिया चैनल पर साइट पर मिल जाएगा। आप सभी को नमस्कार। अभी सर ने आपको जानकारी दी कि अगली मीटिंग 15 अगस्त के लिए जो है रामपुर में होगी, और जो भी पत्रकार वहां पहुंचना चाहता है, उस मीटिंग को अटेंड करना चाहता है, कर सकता है। मैं अखिलेश सोलंकी, रिपोर्टर, भानु प्रताप कैमरामैन के साथ।